में दो लाइनें ही काम करती हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जी, ये आप मान के चलो। और ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। मैं सबसे पहले एमपी सर को धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि उन्होंने मुझे माइक दिया और आपको संबोधित करने के लिए कहा। तत्पश्चात मैं अपने अध्यक्ष महोदय श्री छोटेलाल यादव जी, मैनेजमेंट कमेटी सदस्यगण छेदीलाल यादव, मुन्ना यादव जी और साथ में उपस्थित जो भी हमारे अतिथिगण हैं और सम्मानित शिक्षकगण, सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप आज हमारे साथ बेस्ट विशेष फॉर क्लास 10 और फेयरवेल फॉर क्लास 12 के लिए आप यहां उपस्थित हैं और आप बच्चों को अपना आशीष, अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं कि यह बच्चे जहां भी हों, जिस जगह पे भी हों, इस विद्यालय यानी जे डॉन बॉस्को स्कूल का नाम निश्चित रूप से रोशन करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। समय समय पर मेरा मैनेजमेंट, आज हमारे मैनेजर सर मिस्टर राम प्रकाश राय जी, हमारे डायरेक्टर मैन मिसेस प्रीति सिंह जी के साथ साथ अन्य मैनेजमेंट सदस्यगण जो हमारे साथ उपस्थित नहीं है, उनकी तरफ से भी मैं आज आप सभी कक्षा 10 और 12वीं के विद्यार्थियों को आशीष दे रहा हूं कि आप निश्चित रूप से आने वाला जो आपका पहला या जो जीवन को बदल देने वाला पड़ाव है उस पर आप सफल हो और मन चाहे आपको नंबर्स मिले, लेकिन उसके लिए कठिन परिश्रम ही आपका आपके साथ होगा। आप कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, किसी भी प्रकार का कोई शॉर्टकट नहीं होता लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ये मान के चलना। शॉर्टकट वही लेता है जो कमजोर होता है, आप कमजोर नहीं हो, आपको हर तरह से हमारे अध्यापकों ने सुसज्जित किया है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे हिंदी हो या केमिस्ट्री हो, आपको आपके प्रैक्टिकल से लेके आपके थ्योरी पोर्शन तक को तैयार कराया गया है और इस उम्मीद और आशा और विश्वास के साथ कि आप बेहतर परफॉर्मेंस देंगे, आज मैं आपको जो है कि बेस्ट विशेष दे रहा हूं क्लास 10 वालों को। और फेयरवेल शब्द तो अपने आप में रुला देने वाला होता है, वास्तव में आप यहां से जाओगे आपको एक नए आयाम, नए रास्ते पे चलना है और अपने लिए कई मंजिल ढूंढना है। कुछ बच्चे मेडिकल की तरफ जाएंगे, कुछ बच्चे इंजीनियरिंग की तरफ जाएंगे, कुछ बच्चे जो है कि अध्यापकी की तरफ जाएंगे, कुछ जो है कि कॉर्पोरेट जगत में जाएंगे, अलग अलग क्षेत्र आप अपने लिए चुनोगे। आप जहां भी रहो इस आशीष के साथ आपका फेयरवेल मैं कर रहा हूं कि आप जीवन में सफल रहो। हाँ, आपके बीच जो बातचीत चल रही है ये आप सोचना, विचारना कि जो विचारणीय प्रश्न आपके लिए होना चाहिए, बहुत बड़ा यह प्रश्न होना चाहिए आपके लिए कि जीवन में क्या करना है। जिस दिन आप ये सोच रही है कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, वही आपके जीवन का टर्निंग प्वाइंट होता है, वही आपके जीवन में बदलाव लेकर आता है। यदि आपने नहीं सोचा चलो हो जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे एक किसान जब अपने खेतों के बगल से होकर गुजरता था और उसके खेत में घोंसला बना के रहने वाली चिड़िया, जो चिड़ियों के बच्चे थे वो ये, जैसे किसान जब वहां से गुजरता था चिड़िया के बच्चे चहलाते थे, कूदते थे, खेलते थे। एक दिन किसान ने कहा कि आज मुझे अपना खेत जो है कि कटवा लेना चाहिए, अब मेरी फसल पक गई है। तो चिड़िया के बच्चों ने, जब चिड़िया आई तो उन्होंने कहा कि मम्मा किसान ऐसे कह रहा था। कहा कोई बात नहीं बेटा, अभी आप लोग आराम से रहो, समय आने पर मैं आपको बता दूंगी। बहुत ध्यान से मार्के की बात सुन लेना बेटा, इस चीज को जीवन में काम आएगा, ठीक है। दूसरे दिन किसान आया, अरे मैंने तो कहा था कि काट लेना, लेकिन लगता है जो है कि काम करने